यूपी बोर्ड हाई स्कूल में टॉपर्स जो है हमारे साथ मौजूद हैं प्राची निगम। तो पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपका पहला स्थान आपने प्राप्त किया और सीता इंटर कॉलेज के लिए हमेशा छात्र छात्राएं प्रथम स्थान पर आ रही है। कितने प्रतिशत आपने अंकांश इस सफलता के लिए क्या कहेंगे आप? इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने टीचर्स को देना चाहूंगी और फ्रेंड्स से भी मेरी बहुत हेल्प की। कैसा है यहाँ का स्कूल का माहौल? स्कूल का माहौल तो हमेशा से यूपी टॉपर रहा है और आगे भी रहता होगा। और यहाँ पर डेली मॉर्निंग टेस्ट होते थे जो बच्चों को तैयार करना होता था और उन्हें उस जो भी हम लोग पेपर देते थे उसमें जो भी गलतियाँ होती थी टीचर बताते थे कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, आपको यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, और तो हम लोग ऐसे ही तैयारी करते थे। कितनी देर पढ़ाई करते थे? जी डेली रेगुलरली पढ़ाई जो भी स्कूल में दिया जाता था उसको पर कंप्लीट करते थे और जो भी अपने से हो पाता था वो करते थे। क्या टिप्स देंगी दूसरों के लिए? कि अपना सिलेबस टाइम पर खत्म कर लीजिए और जो भी आपको टीचर्स इंजेक्शन दे रहे हैं कि हाँ ये आप करिए आपके लिए अच्छा है तो आप वो जरूर करिए। पापा मम्मी के लिए क्या कहेंगी, क्या करते हैं? पापा तो मेरे ठेकेदार हैं और मेरे पापा मेरे माता पिता ने मेरा बहुत सहयोग किया और टीचर्स ने बहुत ज्यादा। तो प्रधानाचार्य आप मालिक भी हैं, आप यहाँ के पहले प्रबंधक भी हैं, तो कैसा लग रहा है आपको जब आपके स्कूल के बच्चे एक रिकॉर्ड बना रहे हैं? इतना अच्छा लग रहा है कि हम शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। आज हाई स्कूल में भी आप टॉपर्स आपके नाम आया और इंटरमीडिएट में भी आया और टॉप 10 की जो सूची है उसमें भी आपका विद्यालय आया। 19 बच्चे हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में यूपी के टॉप 10 सूची में, तो ये सीतापुर के इतिहास में पहली बार हुआ है और निश्चित रूप से सीता इंटर कॉलेज ने वो इतिहास रचा है। तो देखिए सीता इंटर कॉलेज ने इतिहास रचा है ये कहना है प्रबंधक का, और जो हाई स्कूल की टॉपर्स हैं उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने ये सफलता हासिल की है और टिप्स भी दिए और विद्यालय का कैसा माहौल है इसको भी साझा किया। एबीपी के लिए सीतापुर से पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।